एक लंबी पारी खेलने वाली सिमोन टाटा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एक छोटी व अज्ञात कॉस्मेटिक कंपनी को, जो टाटा ऑयल मिल्स की एक सहायक थी, भारत की अग्रणी कॉस्मेटिक कंपनियों में से एक बना दिया। लक्ष्मी नामक इस कंपनी ने भारतीय फैशन और कॉस्मेटिक का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। अपनी इसी सफलता की वजह से सिमोन एम टाटा भारत की कॉस्मेटिक साम्राज्ञी के रूप में जानी जाती हैं। अपने में ही केंद्रित रहने वाली सिमोन को न तो चर्चा में रहना पसंद है, न ही साक्षात्कार देना। अपने जीवन को वह सार्वजनिक बनाने से परहेज करती है। जन्म से फ्रांसिसी सिमोन का बचपन व युवावस्था जेनेवा में बीता। उस समय प्राइवेट स्कूलों की संख्या बहुत कम थी और इसलिए बच्चे गांवों के स्कूलों में पढ़ने जाया करते थे। सिमोन टाटा का बचपन द्वितीय विश्व युद्ध और युद्ध के तनाव के बीच गुजरा, क्योंकि स्विट्जरलैंड जैसे देश में उसके प्रभाव से अछूते नहीं थे। सिमोन के परिवार को खाने, कपड़े, पेट्रोल की कमी सहते हुए जीने की आदत हो गई थी। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए वह कहती है, स्विट्जरलैंड में एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत कठिन था और किसी के पास कार नहीं थी। हम साइकिल पर आते जाते थे। वास्तव में युद्ध की स्थितियों ने हमें बहुत जल्दी ही जिम्मेदारियों का बोध करा दिया था। अनुभवों ने भी सिखाया। भारत में कॉस्मेटिक बिजनेस को व्यावसायिक रूप देने वाली महिला के रूप में मैं गौरव प्राप्त करने वाली सिमोन टाटा ने फैशन और कॉस्मेटिक के क्षेत्र में मानकों को उसी दृढ़ता से पुनः परिभाषित किया जैसे वर्षों पहले उन्होंने स्विट्जरलैंड में पहाड़ से गिरने पर स्वयं को संभाला था। अधिकांश उच्च स्तरीय फैशन उद्यमी जो विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने जीने के सलीके को परिष्कृत करने व अपने सामाजिक व व्यावसायिक संबंधों तथा लोगों से संवाद स्थापित करने की निपुणताओं को तराशने के लिए फिंडिंग स्कूलों का सहारा लिया। स्विट्जरलैंड के फिंडिंग स्कूलों तो खासतौर पर इन सब के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ जाना किसी के लिए भी गौरव की बात हो सकती है। लेकिन वहां रहने के बावजूद सिमोन ने किसी फिंडिंग स्कूलों में दाखिला लेना अनिवार्य नहीं समझा, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उन माता पिता के लिए उपयुक्त थे जो समझ नहीं पा रहे थे कि स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद उनकी बेटियों को आगे क्या करना चाहिए। सिमोन ने केवल कॉलेज की पढ़ाई की और बिजनेस से जुड़ी कोई डिग्री उनके पास नहीं थी, जिसका उन्हें आज भी अफसोस होता है। वह कहती है, मुझे उन लड़कियों को देखकर ईर्ष्या होती है जिनके पास MBA की डिग्री है। मैंने तो केवल अपने अनुभव से ही सीखा है। एक नाटकीय मोड़ आता है फिर उनके लाइफ में। एक पर्यटक की तरह 1955 में भारत आने और उद्योगपति नवल टाटा से शादी करने के बाद सिमोन भारत में ही बस गई। अपने बेटे के जन्म के बाद वह जब दिल्ली में थी तो उनकी त्वचा में खुश्की हो जाने की वजह से पपरियां सी उतरने लगी। दिल्ली के सर्द मौसम में अपनी सूखी और संवेदनशील त्वचा को ठीक करने के लिए उन्हें कोई क्रीम या लोशन नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि जब टाटा के पास लक्ष्मी है तो हम क्रीम व लोशन क्यों नहीं बना सकते। यह प्रश्न जो उन्होंने बाद में टाटा से जुड़े लोगों के सामने रखा और उसने उनकी जिंदगी को एक नाटकीय मोड़ दे दिया। जब लक्ष्मी ने उन्हें नौकरी दी तो उन्हें उससे स्वीकार कर लिया। इस तरह से वह लक्ष्मी बोर्ड से जुड़ गई। भारत में ब्यूटी सैलून और 100% प्राइवेट लेवल स्टोर खोलने वाली वह महिला पहली महिला बनी। एक महीने में प्रत्येक दिन 2 घंटे यह काम करने के लिए पर्याप्त होंगे, सोचकर उन्होंने शुरुआत की। सिमोन के इस निर्णय ने उनके सामने विकल्पों, संभावनाओं का असीम विस्तार खोल दिया और नए नए प्रयोग करने व सीखने की अदम्य लालसा ने उन्हें एडवेंचर करने की प्रेरित किया। दिन के 2 घंटे आधे दिन में परिवर्तित हो गए। सिमोन ने तब भी नहीं सोचा था कि उन्हें गंभीरता से इस क्षेत्र को अपना करियर बना लेना चाहिए, क्योंकि वह अपने किसी भी कोण में प्रोफेशनल होने के खाके में फिट नहीं देख पाती थी। सन 1964 में उन्हें लक्ष्मी का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। तब भी शौकिया उन्होंने बिना वेतन काम करने के लिए उस पद को स्वीकार कर लिया। उधर नियति उनसे बड़ा काम करवाना चाहती थी, इसलिए यह सब रच रही थी। उन्होंने भारतीय बाजार को समझा। लक्ष्मी ने पहले स्किन केयर उत्पाद बनाए, कुछ चले कुछ नहीं चले। सिमोन भारतीय बाजार की नस को समझने के लिए सर्वेक्षण करने में जुट गई ताकि पता चल सके कि भारतीय महिलाओं की जरूरतें क्या है और कंपनी कहाँ चुक रही है। गौर होने की चाह जो उस समय भारत में बुरी तरह से व्याप्त थी, उसे भुनाने के लिए उन्होंने टेलकम पाउडर बाजार में उतारा। हालांकि यह वह समय था जब भारतीय महिलाएं सौंदर्य उत्पादों के प्रति बहुत अधिक सचेत नहीं थी और उन्हें इस्तेमाल करना आम मध्यम वर्गीय स्त्रियों में अच्छा भी नहीं माना जाता था। जब महिलाओं ने बाहर निकलकर काम करना शुरू किया और आर्थिक आजादी पाई तो सौंदर्य उत्पादों की जरूरत महसूस की गई। उनकी कंपनी ने तब
विभिन्न कॉलेजों और क्लबों में महिलाओं को सजने संवरने व अच्छा दिखने के विभिन्न पहलुओं की महत्ता समझाने के लिए सौंदर्य विशेषज्ञों को भेजा। उनका यह तरीका कारगर सिद्ध हुआ। उत्कृष्ट कार्यशैली। सिमोन की कार्यशैली ऐसी थी कि बहुत जल्दी ही लक्ष्मी भारत का अग्रणी कॉस्मेटिक उद्यम बन गया और उनके विदेशी बाजारों में उसकी पहुंच हो गई। सन 1989 में टाटा इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर नियुक्त किए जाने से पहले 1982 में उन्होंने अपनी कंपनी के चेयरपर्सन के रूप में कार्यभार संभाला। वे कहती हैं, टाटा इंडस्ट्रीज के बोर्ड में अनुभवी लोगों के साथ बातचीत करना एक नया अनुभव था। इस दौरान मुझे चीजों को नए सिरे से सीखने व देखने का अवसर भी मिला। अलग अलग तरह के विषयों पर अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल किए लोगों के विचार सुनना सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो दूसरों के लिए भी कामयाबी का मार्ग प्रशस्त कर देती है। सन 1996 में सिमोन टाटा ने लक्ष्मी कॉस्मेटिक हिंदुस्तान लिवरली HLL को 200 करोड़ रुपयों में बेचकर 93 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। मिली चुनौतियां। पति नवल टाटा उनकी सफलता से बेहद खुश थे और उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा व ताकत मिलती थी। नवल टाटा की मृत्यु के बाद टूट सी गई। सिमोन ने पुनः अपनी दृढ़ता को संचित करने में बहुत वक्त नहीं लगाया। बेशक उन्होंने एक समय में अपने कार्य को गंभीरता से नहीं लिया था, पर चुनौतियों का सामना तो उन्हें भी करना ही पड़ा, खासकर पति की मृत्यु के बाद। अपना करियर शुरू करने के 30 साल बाद जब उन्होंने लक्ष्मी को बेचा तो सबसे बड़ी चुनौती का सामना उन्हें तब करना पड़ा जब जिस कंपनी को अपनी मेहनत और ऊर्जा से उन्होंने सींचा था और एक नई दिशा दी थी, उसे बेचने व ट्रेंड को खड़ा करने के बीच उन्हें कई तरह के परिवर्तनों से गुजरना पड़ा। ट्रेंड। टाटा रिटेल एंटरप्राइज कंपनी में रेडीमेड कपड़ों की वेबसाइट के लेबल के साथ उतारा गया जो आज एक जाना माना नाम बन चुका है और युवाओं की खास पसंद भी। रिटेलिंग में उनकी दिलचस्पी बहुत समय से थी और वह बिजनेस की एक धारा से जुड़ने को उत्सुक भी थी। लक्ष्मी के बाद वेब साइट के माध्यम से रिटेलिंग से जुड़ना उनके लिए एक अद्भुत अनुभव था। संयोग की बात है कि ब्रिटेन स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर श्रृंखला लिटिल वर्ड्स इंटरनेशनल बैंगलोर भारत में अपना संचालन बंद करने की सोच रही थी। 1998 में टाटा ने उसे अधिग्रहण कर लिटिल वर्ड्स को वेस्ट साइट की तरह लॉन्च किया। उड़ान को पंख मिला। आधुनिक युवा को अपने परिधानों के माध्यम से रंगीन कल्पनाएं बुनने तक पहुंचा कर ही सिमोन संतुष्ट होने वाली नहीं थी, क्योंकि अब तक कुछ नया करने की दृष्टि रखने वाली थी। अपनी कल्पनाशीलता को विस्तार देने के लिए वह फूड रिटेलिंग बिजनेस में उतरी और स्टार इंडिया बाजार से बड़े बड़े बाजार बनाए गए जहां कम मूल्यों में डिस्काउंट पर रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज उपलब्ध कराई गई। उनके बेटे नोएल टाटा ने इस नए काम में अपनी मां को पूरा सहयोग दिया। इस 52 वर्षीय ट्रेंड ली की मैनेजिंग डायरेक्टर में मां की तरह हर चीज को समझाने की पारखी नजर है। सिमोन टाटा के मार्गदर्शन में वेबसाइट के सारे बड़े शहरों में लगभग 150 से अधिक आउटलेट्स खुल चुके हैं। सन 1998 में उन्होंने वुमेन ऑफ डिकेड से सम्मानित किया गया और उद्योग रत्न अवार्ड भी दिया गया। सन 2003 में रिटेलिंग में नए विचारों को समाहित करने के लिए मुंबई मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा उन्हें स्पेशल अवार्ड फॉर इनोवेशन दिया गया। भारत में रिटेल फैशन में बिजनेस में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए उन्हें सन 2003 में ही विजनरी ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। संवेदनशील महिला। सिमोन टाटा की प्रखरता ने न केवल उद्योग जगत में प्रसिद्ध है वरन किसी भी विषय पर एक पैनी पखर रखने के लिए भी जानी जाती हैं। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है और बहुत कम उम्र से ही वह राजकीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों एवं विकास कार्यक्रमों पर नजर रखती आ रही हैं। यही वजह है कि आप उनके सामने कोई भी विषय छेड़ दे वह बिना रुके उस पर अपनी राय दे सकती है। भारतीय कला के प्रति सम्मान होने के कारण उन्हें भारतीय कला में सौंदर्य शास्त्र का भी कोर्स किया। जेनवा में छुट्टियां बिताना पसंद करने वाली सिमोन टाटा को अक्सर सफेद रंग की ड्रेस पहना देखा जा सकता है। हर सफलता और असफलता को वक्त की गति के साथ लेने वाली सिमोन बहुत ही संवेदनशील प्रवृत्ति की महिला है। विभिन्न एनजीओ की सहायता करने के लिए वह उनके द्वारा बनाई गई चीजों को खरीदती रहती है। ट्रेंड ने बच्चों की कई संस्थाओं के साथ एक रिश्ता कायम कर लिया है। वह सर रतन टाटा इंस्टीट्यूट की चेयरमैन और चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया ट्रस्ट मुंबई की ट्रस्टी भी हैं। 73 वर्षीय सिमोन आज भी बिना रुके निरंतर आगे बढ़ने को प्रयत्नशील है। सिमोन टाटा को अपने काम के सिलसिले में बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं। उनकी योजनाएं असीम हैं और वे चाहते हैं कि कंपनी काफी स्थानों पर रिटेलिंग शुरू करे। एक सच्ची व्यवसाय की तरह वह भी काम को पूर्णता से करने में यकीन रखती हैं। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी न होने के बावजूद उनके ऊपर जब एक
के बाद एक जिम्मेदारियां आती गई तो उन्हें निभाने में वतन्यता से जुट गई। आज वह सोचती है कि एक समय ऐसा था जब उन्हें करियर वुमेन बनने की बात सोची तक नहीं थी, और आज लगता है अगर वह काम नहीं कर रही होती तो क्या करती। वह मानती है कि हर औरत को जीवन में किसी न किसी चीज में दिलचस्पी होनी चाहिए और उन्हें स्वयं का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। आशा है कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। मोहि मलंग इज अ प्योर मोटिवेशनल बायोग्राफी स्पिरिचुअल चैनल वेर आई अपलोडेड बेस्ट मोटिवेशनल स्पिरिचुअल बायोग्राफी एंड स्पिरिचुअल कंटेंट। इफ यू लाइक मोटिवेशनल वीडियोस, कॉल्स, इंस्पिरेशनल स्पीचेस, बायोग्राफी, देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। इन दिस चैनल वी ऑल्सो अपलोडेड सच टाइप वीडियोस, बायोग्राफी, मोटिवेशनल स्पीच, स्पिरिचुअल कंटेंट। सो प्लीज गाइज सपोर्ट मी। देन मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।